अब लाइन की इक्वेशन जो होती है वो 2D में तो हमने पढ़ रखी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो नोन रहते हैं हमेशा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है, या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल दो आपको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोलना हो। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा है कि 3D में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती होगी? 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन ने पहले वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा है, फिर अपन उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे 3D में लगाएंगे। बहुत माइन्यूट सा छोटा सा एप्लीकेशन लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शन कोजाइंस क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। अच्छा एक चीज और लिख लेना आप लोग, हम लोगों ने जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था आज जो हमने सुबह पढ़ा था, उसमें मैंने आपको अल्फा बीटा और गामा पढ़ाए थे, राइट। तो अल्फा बीटा गामा क्या था? किसी भी पॉइंट का, अब ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए ना, ये पॉइंट जो है जैसे कि लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ समथिंग, ऑल्दो इतना खूबसूरत नहीं बनेगा बट समझ में आ जाएगा। मान लो एक इमेजिनरी सा मैंने यहाँ पे 3D फिगर बना दिया और ये हमारे सामने वेक्टर है, ये वेक्टर इस पॉइंट से ओरिजिन से चालू हो रहा है और इस पॉइंट पे खत्म होगा, है ना। तो वी कैन इमेजिन अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे अपन ओरिजिन को और ये वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा ज्यादा फील आएगी आपको। इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो ये है, वाई एक्सिस के साथ एंगल जो है वो ऊपर वाला है, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला। एंगल्स के नाम अपन ने सुबह पढ़े थे अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा एंगल्स के नाम जो भी है उनको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स, है ना। वो लिख लेना, शायद मैंने मेंशन नहीं करा था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पढ़ लिया उसके बारे में, बस उसका नाम नहीं पढ़ा था कि नाम क्या होता है। बाकी अपने को थ्योरी पता है कि होता क्या है वो, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके तो लिखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए एक लाइन जो होती है वो इन्फिनिटी पे भी जाती है और माइनस इन्फिनिटी पे भी जाती है, मतलब इट इज नेवर एंडिंग फिगर। लाइन नेवर एंडिंग फिगर होता है, अनलाइक वेक्टर। वेक्टर इज जस्ट लाइक अ रे, उसको अपन रोक देते हैं एरो देके तभी उसका लेंथ बता पाते हैं, वरना लेंथ उसका इन्फिनिटी हो जाता है। तो देखिए कभी भी पहले तो अपन चलिए ये समझते हैं कि लाइन को अपन एक ऐसा फिगर मानेंगे, है ना, जो कि इन्फिनिटी में दोनों तरफ जाता है। अब एक फंडा मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो फंडा समझ लिया तो आपने सब समझ लिया, सब समझ लिया। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो ना 3D में, तो आपको उस लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने के अपन ने दो तरीके सीख लिए अभी अभी। एक तो आप डायरेक्टली x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, या तो आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप पीवी फॉर्म में भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो ये हेडिंग जो लिखी है मैंने, वन सेकेंड आई जस्ट ट्राई टू चेंज इट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D लिखे आप इसमें, हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D फिगर, ठीक है। 3D वर्ल्ड में क्या इक्वेशन होती लाइन की? तो सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट होती है अपने पास, क्या एक लाइन में लिखवाऊंगा यहाँ पे, है ना, बकवास अंग्रेजी में कुछ लिखवाऊंगा मैं छोटी सी, उसको आप भूल जाओ। टू राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D, ऑल यू नीड इज फर्स्ट लिखिए 1 पॉइंट ऑन द लाइन। क्या चाहिए होता है? लाइन पर रखा हुआ एक पॉइंट, 1 पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको? एक वेक्टर अलोंग द लाइन, अ वेक्टर अलोंग विच द लाइन इज पासिंग। लिखो पहले, समझते अपन। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हमको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जो उस लाइन के अलोंग पास कर रहा है।
ओके, अब देखिएगा ध्यान से, समझना, एक चीज एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन की इक्वेशन लिखते कैसे। अगर आपको ये दो पॉइंट समझ में आते, मान लो इस लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है ए, और ए के कोऑर्डिनेट भी पता है, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका अब अपना बदल गया, अब अपन बड़े हो गए, अब अपन स्टाइल मारेंगे, अब अपन कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन, सॉरी, अब अपन कोऑर्डिनेट लिखेंगे पोजीशन वेक्टर से। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर अपने को पता होना चाहिए, लाइन के पैरेलल एक खूबसूरत वेक्टर अपने को पता होना चाहिए, लेट अस से ये बी। फर्क समझो, ये ए वेक्टर क्या है, जीता जागता पॉइंट, ए वेक्टर क्या है, इट इज अ पॉइंट, मतलब पोजीशन वेक्टर है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लोग समझ ही नहीं पाते कि ये वेक्टर पॉइंट भी होता है और वेक्टर भी होता है, मतलब वेक्टर ये अलग जीता जागता वेक्टर है और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है और ये वेक्टर है, बस ये दो चीज पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर की, सॉरी, लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है हम वो लिखना सीखेंगे, वो सीख लिया अगर अपन ने, तो उसके बाद अपन लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखना सीखेंगे। ओके, तो जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो क्या है कि लाइन की दो इक्वेशन होती है, एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस वही बात हो गया कि अगर आपको मैंने ऐसे लिखने को दिया है ना, राइट एज राइट एन ऐसे ऑन काउ, तो आप क्या लिखोगे, काउ हैज 4 लेग्स, काउ हैज 2 आईज, काउ हैज 2 सिंग, ऐसा कुछ लिखोगे, या तो आप इंग्लिश में लिखोगे या तो हिंदी में लिखोगे, यार दोनों का जो मतलब रहेगा लेकिन वो सेम रहेगा। तो एक बार अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक बार अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, फर्क क्या होता है वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा, आप एक समझ जाओ दूसरा उसी के जैसा है ना, दोनों के मतलब सेम है, बस लैंग्वेज अलग है लिखने की। तो सबसे पहले लिखिए आप वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इन 3D, ये ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन इन 3D। मान लो अपने पास लाइन है, क्या है लाइन है, क्या है लाइन है, लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट पता है मुझे, ठीक है, लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट पता है मुझे, क्या पता है, उसका कोऑर्डिनेट पता है, उसका कोऑर्डिनेट मान लो ए वेक्टर है, क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब लाइन के पैरेलल एक खूबसूरत वेक्टर पता है मुझे, मतलब एक बी वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, जीता जागता, और ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये ए वेक्टर जो है वो एक पॉइंट है, या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जीता जागता आपके सामने वेक्टर है। अच्छा, जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ऐसे में अगर अपने को लाइन की इक्वेशन लिखना हो तो मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं, बाद में अपन डेरिवेशन नहीं देखेंगे, देखिए कैसे करते हैं अपन, इस लाइन पर रखा हुआ है एक कोई भी खूबसूरत पॉइंट अपन अज्यूम कर लेंगे, मान लो वो आर है, और उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अपन अगर मानते हैं आर वेक्टर, ठीक है, तो किसी भी लाइन पर रखा हुआ जनरल पॉइंट ले लिया अपन ने आर। मैं समझाता हूँ क्या चल रहा है, जब अपन कक्षा 11वीं में थे और अपन ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी थी, अब अपनी लाइफ में जेड एक्सिस आ गया है, कोई बात नहीं, जब जेड एक्सिस आया है तो अपन समझते हैं कि पहले एक्स और वाई में होता क्या था। आप क्या करते थे, कोई भी लाइन पर अगर जनरल पॉइंट मानना होता था, जनरल पॉइंट, तो आप क्या मानते थे, एक्स कॉमा वाई, समटाइम्स एच कॉमा के, जब अपने को लोकस निकालना होता था, बट अगर अपने को कोई जनरल पॉइंट मानना है तो अपन क्या मानते थे, एक्स कॉमा वाई। ये एक्स कॉमा वाई क्या है, इट इज अ जनरल पॉइंट, और अगर मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि नहीं, 2, 3 इस पर लाई कर रहा है, तो इट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, आपको पॉइंट पता ही है, और एक्स कॉमा वाई मतलब क्या है, जनरल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया, आर वेक्टर। ये एक्स कॉमा वाई जो 2D में हुआ करता था वही काम आर वेक्टर का भी यहां पर हो रहा है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि दो पॉइंट है अपने पास लाइन पर, और दो पॉइंट से एक वेक्टर बन जाता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, कैसे बनता है, दो कड़ी का काम है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, तो हमने बोला कि ए आर वेक्टर अपन ने बनाया, ठीक है, प्लीज वेट, थोड़ा सा हैंग हो गया, ए आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, एनीवन कोई बोल के बताएगा मुझे,
आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, क्योंकि पॉइंट माइनस पॉइंट करते हैं अपन। अच्छा एक बात बताओ, चलो जब तक वो हैंग हो गया अपन आपदा को अवसर बना लेते। अगर ए आर वेक्टर मैंने लिखा तो क्या ए आर वेक्टर बी वेक्टर से पैरेलल आएगा, यस और नो? यस। और अगर पैरेलल आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन व्हाट कैन आई राइट? बहुत बढ़िया, आपने लाइन की इक्वेशन लिख ली, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं, लाइन खत्म हो गया। आप एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का या स्टेट बोर्ड का यूं कर दोगे आराम से। देखो समझाता हूं मैं, ए आर वेक्टर क्या आ जाएगा, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, ये आ गया ए आर वेक्टर। ऑल्सो एनसीईआरटी स्टाइल में ऑल्सो वी नो दैट ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, सही बात है। अच्छा इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इसको मिटा देते अपन, जगह अपन बाद में बना लेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वी कैन राइट वन वेक्टर एज स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, मतलब अपन ए आर वेक्टर को जरूर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, है ना? तो हमने बोला ए आर वेक्टर है क्या, ये है। अच्छा तो हमने बोला ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए आर वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड एट द सेम टाइम वेरी इजी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3D फॉर्म, समझे उसको ना? अपन समझेंगे। लाइन की इक्वेशन 3D फॉर्म में आ गई अपने सामने, क्या आती है? ए प्लस लैम्डा बी, खत्म। व्हाट इज ए? अ खूबसूरत पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। व्हाट इज बी? अ वेक्टर पैरेलल टू दैट लाइन, या अ वेक्टर अलोंग दैट लाइन। उस वेक्टर के अलोंग, सॉरी उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो, सॉरी एक वेक्टर अगर गिवन है इस लाइन के अलोंग, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? बी वेक्टर बोल देंगे, है ना? या तो बोल देंगे सिंपली अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है? जो पॉइंट उसमें रखा हुआ है। बी क्या होता है? जो पॉइंट उसके पैरेलल है, ठीक है? अगर मैं यहां पे रैपिड फायर क्वेश्चन लिखता हूं एक, कि अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, और बी वेक्टर क्या है? 2i cap + 3j cap + 6k cap। तो फाइंड द राइट इट्स इक्वेशन, राइट इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा? राइट इट्स इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, तो आप इसको लिखते जाइएगा। देखिए अगर पहले आप समझ लो, है ना, मैं लिखने का आपको जरूर टाइम दूंगा, पहले समझ लो। एक लाइन कहां से पास कर रही है? 1, 2, 3 ड्रॉ करते हैं, लाइन पे रखा हुआ है खूबसूरत पॉइंट दे दिया उसने, इससे अच्छा कुछ हो सकता है लाइफ में? नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ कि लाइन पर रखा हुआ जो पॉइंट है वो उसने किस फॉर्म में दिया? कार्टेशियन फॉर्म में दिया है या पोजिशन वेक्टर फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वाला फॉर्मेट है, उसको अपन चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं पीवी वाले फॉर्म में। कुछ नहीं करना है आपको, आई कैप जे कैप के कैप लगाना है। तो 1i cap + 2j cap + 3k cap, ये हो जाएगा इसका पोजिशन वेक्टर। मान लो ये पॉइंट जो है दैट इज ए, सही बात है। अच्छा इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर अपने को पता है, वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी इज 2i cap + 3j cap + 6k cap, समझ में आ रहा है? अब लाइन की इक्वेशन 3D फॉर्म में लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हो आर वेक्टर, ये आर क्या है? जैसे वो कोऑर्डिनेट में एक्स वाई हुआ करता था ना, लाइन की इक्वेशन अगर मैंने आपको बोली थी 2x + 3y = 6, सॉरी 2x + 3y = 6 अगर मैंने आपको लाइन की इक्वेशन बोली, तो जो x और y है वो क्या है? जनरल पॉइंट है। आप x की जगह कुछ रखो, y की जगह कुछ रखो, अगर उस पर लाई कर रहा है तो जीरो हो जाएगा, लाई नहीं कर रहा है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा। उसी तरह से ये r उसी x y का काम कर रहा है, थोड़ा सा नए डायमेंशन में आ गया अपन, है ना? तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, a वेक्टर क्या है? ये पोजिशन वेक्टर ऑफ द खूबसूरत पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या दिया है आपको? आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, 2i cap + 3j cap + 6k cap। आगे लाइन की इक्वेशन खत्म। सच बता रहा हूं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान इक्वेशन है। चलिए लिखा अपन ने, अब आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन, और नीचे ही लिखना, आप लोग साइड पे मत लिखना। मैंने साइड में इसलिए लिखा था कि मेरे को स्क्रॉल कम करना पड़े।
पानी भी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो मतलब सर आप अगर मेरे को कोई भी पॉइंट दोगे और कोई वेक्टर दोगे तो मैं तो हमेशा लाइन लिख लूंगा, इतना आसान कैसे हो सकता है? अरे आसान है तो आसान रहने दो ना, उसको मुश्किल मत बनाओ। ठीक है, आज अपन इसका भी होमवर्क करेंगे, कम करेंगे इसका होमवर्क, हार्डली 7-8 क्वेश्चंस, और बाकी कल वाला होमवर्क आप आराम से ट्राई करो। कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, है ना, वी हैव सफिशियंट टाइम, आप टाइम कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला अपन लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, ऊपर वाला आप लिखो आराम से, मैं बस हेडिंग डाल रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। इन 3D लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार अपन ने 2D में पढ़ रखा है ना। कुछ बच्चे बेचारे पूछते नहीं, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि यार लाइन पढ़ा तो था लास्ट ईयर, तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अबे वो 2D में पढ़ा था, आज अपन 3D में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन 3D में पढ़ेंगे अब लाइन की इक्वेशन। जो मैंने ऊपर लिखा है वही नीचे करने वाला हूं मैं, बट ऊपर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, अभी मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में अपन देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मान लो अपने पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ना देते हुए उन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिए, कुछ भी दे दे, वो अपने को क्या करना? अगर वो अपने को कोऑर्डिनेट देते हैं तो अपन उसको पोजीशन वेक्टर में बना सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, और पोजीशन वेक्टर देते हैं तो अपन उसको कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं, वॉट एवर जो भी अपनी डिमांड रहेगी उस हिसाब से अपन सप्लाई कर देंगे। तो मान लो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है ए का, A1, A2, A3, और वी हैव बीन गिवन अ वेक्टर अलोंग द लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दे दिया आपने को। यार देखो कुछ बच्चे हैं ना, देखो मैं हमेशा फील कराता हूँ बार बार, क्योंकि कुछ बच्चे आगे जाके एक क्वेश्चन पूछते हैं तब थोड़ा सा दिमाग खराब होता है ना। देखो एक बार समझो इस चीज़ को, ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के पैरेलल है, बट मेरे को पूरी फ्रीडम है कि मैं वेक्टर को कहीं पे भी पैरेलली मूव कर सकता हूँ। आई कैन मूव इट हियर, आई कैन पुट इट ओवर द लाइन एज वेल, नो इश्यूज, इट इज स्टिल पैरेलल टू द लाइन। अबे कोइंसिडेंट हो गया तो भी तो पैरेलल है, समझो ना इस बात को। आपको सिंपली एक वेक्टर चाहिए होता है जो उसके अलोंग हो। अब मैंने उसको लाइन पर क्यों रखा है, ताकि आपको सेकंड वाला टाइप भी समझ में आ जाए कि यार वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस लाइन के अलोंग आपको कोई भी वेक्टर मिल जाए। ठीक है, अलोंग का मतलब पैरेलल ही होता है, बट कोइंसिडेंट को भी अपन अलोंग कह सकते हैं। अच्छा चलिए, तो कार्टेशियन फॉर्म, ये जो आपको वेक्टर बी दे रखा है, दिस इज B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, राइट? अच्छा एक बात बताओ, जब भी अपने को कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म में लिखनी, तो अपन क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं, सिर्फ डिराइव करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो अपन कुछ सोचेंगे नहीं, हम फाइनल फॉर्मेट जो है ये वाला याद कर लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे हमेशा। इट इज दैट इजी, आखिरी तक इतना ही इजी रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं आने वाला है। तो अगर मैंने आपको बोला है कि इसका अपने को वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो आप क्या करो, एक जनरल पॉइंट अज्यूम करो, उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते थे क्या होते थे, आर वेक्टर होते थे। सही बात है, आर वेक्टर होते थे, लेकिन अभी अपन पोजीशन वेक्टर ना लिखते हुए उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक बात बताओ मुझे कि 2D में जनरल पॉइंट क्या लिखते थे लाइन पर, x, y, मतलब x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, इसलिए जनरल है, इसीलिए जनरल है, वरना पर्टिकुलर तो आपको तो पता ही होता है 2, 3 जैसा पर्टिकुलर हो गया। सही बात है। अच्छा चलिए, तो 3D में जनरल पॉइंट कैसा हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, बस z आ जाएगा, x, y, z। सर आप भी x, y, z क्यों लिख रहे हो, अभी तो आप r वेक्टर लिख रहे थे, भाई साहब तभी तो नाम अलग है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन है, यहाँ पे आपको सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, और जो नीचे है वो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है, यहाँ पे आपको सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, बट ये वाला जो वेक्टर है वी कैन नॉट चेंज इट, वेक्टर को तो अपन नहीं चेंज करते ना,
मतलब वेक्टर का कोई कार्टेशियन फॉर्म नहीं होता है, बट हाँ कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन फॉर्म होता है, इसलिए अपन इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर भी मैं एक चीज बता सकता हूँ कि आई कैन क्रिएट अ वेक्टर कॉल्ड ए आर वेक्टर। सोच के बताओ क्या मैं यहां पर ए आर वेक्टर बना सकता हूँ? बिल्कुल, कैसे? पॉइंट माइनस पॉइंट बन जाएगा। क्या मैंने अगर ए आर वेक्टर बनाया तो क्या वो वेक्टर बी के पैरेलल आएगा? यस 110% इट विल बी पैरेलल। तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से कि ए आर वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर बी। क्या आप ए आर वेक्टर लिख के बता दोगे मुझे? बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट माइनस पॉइंट करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आर का? एक्स, और इसका क्या है? ए वन। तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए वन आई कैप, एक्स माइनस ए वन आई कैप, और उसका क्या आ जाएगा? वाई माइनस ए टू जे कैप, और वो क्या आ जाएगा? जेड माइनस ए थ्री के कैप। ये आ गया ए आर वेक्टर। अगर ये पैरेलल है, सुनो मैं एक लाइन लिखना भूल गया हूं, आप लोग समझदार हो मुझे पता है। अगर वो दोनों पैरेलल है तो आप क्या लिखोगे? वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये लिख सकते हो आप। चलो मत लिखो, अब नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, अपन आगे लिख देंगे। और बी वेक्टर क्या है आपके सामने? लैम्डा टाइम्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। हाँ जी, यहां तक लिखो, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। यहां पे आप लिख लेना ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सही बात है? अच्छा, अरे एक बात बताओ मुझे यार कि अब ये दोनों वेक्टर्स जो है अगर प्रोपोर्शनल है, अगर दोनों वेक्टर्स प्रोपोर्शनल है तो क्या मैं इन दोनों का, या इक्वल है, चलो अभी तो ये दोनों इक्वल है, तो अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इनका आई कैप वाला कंपोनेंट, आई कैप वाला कंपोनेंट सेम होगा। तो एक्स माइनस ए वन मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी वन। ये समझ में आ रहा है सबको? बोलो। और ये दोनों वेक्टर इक्वल, कुछ कुछ कोई कुछ कह रहा है, आवाज आई थी माइक की। ये वाला वेक्टर का जे कंपोनेंट क्या है? वाई माइनस ए टू, और इसका जे कंपोनेंट क्या आ जाएगा? लैम्डा बी टू। दोनों बराबर रहेंगे, चलो बहुत बढ़िया। और जेड माइनस ए थ्री का वैल्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स बी थ्री के, चलो बहुत बढ़िया। यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि एक्स माइनस ए वन डिवाइडेड बाय बी वन इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ये हर इंसान समझ जाएगा, सारा कोई भी समझ जाएगा ये चीज कि करा क्या मैंने, बी वन को नीचे करा है। वाई माइनस ए टू डिवाइडेड बाय बी टू मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस थिंग जेड माइनस ए थ्री डिवाइडेड बाय बी थ्री दिस इज इक्वल टू लैम्डा एज वेल। अच्छा, ये भी लैम्डा के बराबर, इसका एलएचएस भी लैम्डा के बराबर, इसका एलएचएस भी लैम्डा के बराबर, इसका एलएचएस भी लैम्डा के बराबर, तीनों एक ही चीज के बराबर है, तो आपस में तीनों भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन 1, 2 and 3 व्हाट आई कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए वन बाय बी वन इसका वैल्यू ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। y माइनस ए टू बाय बी टू एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू z माइनस ए थ्री बाय बी थ्री। ये जो मेरे सामने आइटम बन रहा है ना, इसको अपन बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि यही है आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। यही है लाइन का इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म, बड़ा आसान है। मैं आपको है ना पूरा डिकोड करना सिखाता हूं, अगर आप दो मिनट के लिए लिखना छोड़ दोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते लाइन का इक्वेशन, 2D में तो ऐसा लिखते थे ax plus by plus c is equal to 0, लाइफ वॉज वेरी गुड। अभी भी लाइफ उतनी ही गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का अंदाज बदल गया है, कुछ अजीब सा दिखता है अपने को फॉर्मेट, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, है ना। शुरुआत में पसंद नहीं आता है कि ये क्या है, बट आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये लाइन की इक्वेशन है थ्री डायमेंशन फॉर्म में, ये तीनों की तीनों वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी, बट अपने को वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है, बस इतना ही लिख दो आप। अब आप समझना ऊपर क्या लिखा है, ए वन ए टू ए थ्री, मतलब ऊपर वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं जहां से लाइन पास कर रही। देखो लाइन कहां से पास कर रही थी, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, तो ऊपर उसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, है ना। x माइनस x कोऑर्डिनेट पास करने वाला, y माइनस y का कोऑर्डिनेट, z माइनस z का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, वेक्टर जिसके वो पैरेलल थी
उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखे हुए हैं। सोच के बताइए, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? वो वेक्टर खुद ही बोल देते हैं अपन यार। डायरेक्शन कोसाइन भले ही अपन यूनिट वेक्टर निकाल के करते हैं, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? दैट वेक्टर इटसेल्फ, ऐसे ही बोल दो, या एनी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू दैट। इस वेक्टर का डबल कर दोगे तो भी आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा, ट्रिपल कर दोगे तो भी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा, है ना? उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डबल कर दिया आपने तो इसका दो गुना लेंथ हो जाएगा, लेकिन ये वेक्टर अभी भी इसके पैरेलल तो है ही। बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नीचे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, और ऊपर क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिखिए वेयर, ऐसा नहीं, थोड़ा मैं अपने स्टाइल से लिखवाता हूं, टू बी रेड एज अ वेक्टर, अ लाइन, सॉरी, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन, a1 कॉमा a2 कॉमा a3, तो जिससे पास कर रही है x माइनस a1, x y माइनस a2 और z माइनस a3 वो लिख देंगे, एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू द लाइन, सॉरी, पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर विथ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री। मतलब आपकी लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब जिस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 b3 है उसके पैरेलल है। लिख डालो यहां, तो फिर अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में जाएंगे, है ना? ये टाइप वन ऑफ लाइन है, इसके बाद अपन टाइप टू लिखेंगे, दैट्स इट, खत्म, आपका लाइन का सिलेबस ही खत्म हो गया, ठीक है? डन। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था उसका सेकंड पार्ट करेंगे अपन, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, then write its equation in vector form. मैंने यहाँ पे equation नहीं लिखा है, but आप लोग समझदार हो, equation in vector form. और second part इसका जो रहेगा, that is, आप लोग तो खैर कंटिन्यूएशन में ही लिखना, राइट इट्स इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। किसकी इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन? पहले फोटो बना लो आप, लाइन कहां से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट लिख लो, जहां से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, 3, और जिसके वो पैरेलल है वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है 2i 3j 6k। तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2i 3j एंड 6k, ठीक है? तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आप आगे देखोगे एक बार में चमकेगा। देखो इधर कैसे लिखेंगे, देखो इधर, हाँ, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। या चलो मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूं, y माइनस y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, z माइनस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या है, 3, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा ये वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, सिंपल है। क्या इसका और कुछ डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, इस लाइन का क्या और कोई डायरेक्शन रेशियो हो सकता है? यस, बिल्कुल, आप 2, 3, 6 के प्रोपोर्शनल कोई भी तीन पॉइंट लिख दो ना, चलेगा, सब डायरेक्शन रेशियोज है। मतलब बेसिकली इस वेक्टर के पैरेलल जितने वेक्टर आप बना सकते हो, पैरेलल मतलब लैम्डा टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स या हाफ टाइम्स या 1/3 टाइम्स, वो सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। बट अपन सारे काहे लिखे, कोई एक डायरेक्शन रेशियो लिख दो।
अब एक डायरेक्शन रेशियो होता है द लाइन इटसेल्फ, तो 2, 3, 6 ये हो गई लाइन की इक्वेशन, खत्म खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, उसमें छापने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले मैंने लाइन की इक्वेशन बनाई, बताई आपको टाइप वन, इसको अपन टाइप वन लिख देंगे। यहां पे आप टाइप वन लिख देना, दो ही टाइप होते हैं, दोनों टाइप एक जैसे ही है, एकदम एक जैसे। टाइप वन पॉइंट वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना, पॉइंट वेक्टर फॉर्म, ऊपर थोड़ी सी जगह आप जो है मैनेज करके यहाँ पे लिख दो, पॉइंट वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट अपन ने किसी लाइन की इक्वेशन, सुनो, किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट और एक वेक्टर पता होना चाहिए, बस। दो तरीके से लिख सकते इक्वेशन, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, मतलब एक वेक्टर में और एक कार्टेशियन में। और टाइप टू पे आता है अपना, टाइप टू पे आ जाओ, ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप टू, टू पॉइंट फॉर्म। हाँ भाई, लिख डालो यहां तक, टू पॉइंट फॉर्म। इसमें आपको दो खूबसूरत पॉइंट गिवन है, टू ब्यूटीफुल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन मस्ट बी गिवन। तो एक लाइन मेरे पास, उस पर एक खूबसूरत पॉइंट दिया हुआ है ए, और उसी लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट दिया हुआ है आपको बी। ठीक है, तो आपको अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, मैंने आपको जो फंडा बताया वही फंडा इंपॉर्टेंट है बस। क्या फंडा बताया मैंने आपको, लाइन पे रखा हुआ एक पॉइंट पता होना चाहिए और लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता होना चाहिए आपको, या लाइन के पैरेलल। तो मेरे को पॉइंट तो दो पता है, आई नो टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, दोनों पॉइंट्स पता है मुझे। ठीक है, तो मैं आपको डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, डेरिवेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, एक खूबसूरत पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ पे तो दो पता है अपने को, बोनस कोई बात नहीं, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80, 90, पूरे 100, मैं ये लेना चाहता था। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, आप वो भी ले सकते हो, दोनों लिख के बता दूंगा। तो ये ए ले लिया मैंने, प्लस इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर पता है क्या अपने को, क्या इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर पता है, एनीवन बताइए, लाइन के अलोंग कोई वेक्टर गिवन नहीं है लेकिन कैसे पता है, बी माइनस ए करके, बिल्कुल सही। तो लाइन के अलोंग जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए बी इटसेल्फ, तो ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, खत्म, दैट्स इट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज बी के पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते थे, ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी माइनस ए ऐसा बनेगा और ए माइनस बी ऐसा बनेगा, दोनों ही पैरेलल है लाइन के, तो कोई इशू नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर ए वेक्टर की जगह आप बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू कोई एक खूबसूरत पॉइंट, मतलब बी ले लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू इट, वेक्टर पैरेलल गिवन नहीं है लेकिन अपन ने खुद से बना लिया, दो पॉइंट पता है तो वेक्टर पता है, और दो पॉइंट पता है तो अपने को ये वाले दो वेक्टर्स पता चल, मतलब ये दो पॉइंट पता है तो ये एक वेक्टर हमें पता चल गया। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए बी, जो इस लाइन के पैरेलल ही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये अगर मैं इसको मूव कर सकता हूँ पैरेलली, है ना, कोई मेरे को मना नहीं करेगा, फ्री वेक्टर है, तो इसको मैं कहीं पे मूव कर सकता हूँ। देखो, अब देख लो तसल्ली से, पैरेलल या जहां पर था वहीं पे रहने दो उसको, है ना, तो अभी भी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए, बहुत आसान है। इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट आप मान लीजिए आर, और क्योंकि अपन इसका टाइप टाइप टू का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, टाइप टू का फर्स्ट फॉर्म वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, सेकंड क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो अभी अपन लाइन की इक्वेशन हिंदी में लिखना सीख रहे हैं, फिर अपन अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, दोनों का मतलब सेम होगा, बस लैंग्वेज अलग अलग होगी। तो आप देखिए, ये पॉइंट जो जनरल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, आर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म चल रहा है इसलिए अपन सब कुछ वेक्टर फॉर्म में मानेंगे। अच्छा, आपको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ए आर वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ए बी वेक्टर, बोले समझ में आता है तो,
ए आर वेक्टर क्या होगा? ए और आर को जोड़ने वाला वेक्टर, क्या बोलेंगे उसको अपन? आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए। और ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? सॉरी, इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल आई कैन राइट वन एज लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख देना ए आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी, है ना? तो लैम्डा टाइम्स ए बी क्या हो जाएगा? बी माइनस, ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ओके, लिख डालो जरा सा प्रूफ है इसका। यहां पर ए क्या है? ए इज द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ए की जगह बी भी हो सकता था, अपने को पता है ना, बी हो सकता था बिल्कुल, आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैं करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि एक ही बात है ना, इतना दिमाग अपने पे है। पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस और बी माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, ओके, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं अपन। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। तो किसी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म लिखना है अपने को। चलो कोई नहीं, पहले आप यहां तक लिखो। लिखा आपने? आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको मैं इतना पढ़ा के भी छोड़ दूंगा ना, तो आप इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लोगे। जेई की बात नहीं कर रहा, जेई में अपने को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़ के अपन ने छोड़ दिया तो लाइन के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। मैं आपको दूंगा आज लेवल वन करने को दूंगा, एडिशन में हो जाएगा। एक एक घंटे की एक्सरसाइज है सारी, आपके अंदर थोड़ी सी भी डिटर्मिनेशन होगी ना, आप कर जाओगे, ठीक है? वरना एक्सक्यूज तो बहाने तो हजार होते, बहाने तो भाई हजार होते हैं लोगों के पास। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डेडिकेशन होगा, आप एक एक घंटे में कर लोगे। विल टेक टाइम, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपना कल का होमवर्क और आज का होमवर्क आपको करना रहेगा। कल शाम तक अपन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। परसों से आप प्लेन का होमवर्क करना स्टार्ट करना, लाइन अपन खत्म कर देंगे। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में अगर अपने को लाइन लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है ए, और उसका कार्टेशियन फॉर्म में अगर चल रहा है तो आपको कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन फॉर्म में पता होना चाहिए। मतलब आपको क्या पता है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या है? ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री। और एक और पॉइंट पता है आपको बी, तो उसके कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या है? बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री। तो ये आर कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक जनरल पॉइंट होता है। जनरल पॉइंट को अपन कार्टेशियन फॉर्म में ही लेंगे। यार देखो चीजों को है ना, आप आसानी, अगर कार्टेशियन फॉर्म चल रहा है तो आप पोजीशन वेक्टर ना लिखे, सीधी सी बात है ना भाई, पोजीशन वेक्टर मत लिखो, आप सीधे उसका कार्टेशियन फॉर्म ही लिखो। चलिए, तो आपको अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है ना, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, तो आपको पता क्या होना चाहिए? एक पॉइंट पता होना चाहिए जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। आपने को दो पॉइंट पता है, ये वाले और ये वाले, आप कुछ भी लिख लो, है ना, कुछ भी लिख लो। और एक वेक्टर पता होना चाहिए जो इस लाइन के अलोंग है। उस वेक्टर का क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब उसके आई जे के वाले कॉम्पोनेंट्स। मतलब ये एक वेक्टर तो मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट मुझे पता है, तो ये वेक्टर मुझे पता है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में लाइन कैसे लिखूंगा, प्रूफ बाद में बताऊंगा मैं आपको। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ दो कौड़ी का है। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस, कोई भी एक खूबसूरत पॉइंट पकड़ो, ये पकड़ लिया ए वन, y माइनस ए टू और z माइनस ए थ्री, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू इट।
इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है? येलो वाला। अब ये येलो वाला वेक्टर अगर आप लिखना चाहोगे तो वो कैसे लिखाएगा देखते हैं। वो आएगा b1 माइनस a1 i कैप, आ रहा है समझ, प्लस b2 माइनस a2 j कैप, प्लस b3 माइनस a3 k कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर के ये जो ab वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? द सेम वेक्टर यार, इसके डायरेक्शन रेशियोज मैं आपको सिखा चुका हूं ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यूनिट वेक्टर निकालो, उसके i j k के कंपोनेंट होते हैं डीसीज। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? उनके प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर, ये नंबर जो है वो उनके प्रोपोर्शनल तो है यूनिट वेक्टर के, तो इन्हीं को ले लो, है ना। पता होना चाहिए बेसिक्स आपको, रटना नहीं है बिल्कुल भी कि क्यों लिया, हैंग हो गया, रुको। लिखिए b1 माइनस a1, b2 माइनस a2 यहां पे, और यहां पे b3 माइनस a3 लिख के रखो, और प्रूफ जो है एकदम जो अपने लास्ट टाइम करा था वैसे ही। तो आप लिख के रखे b1 माइनस a1, b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3। b1 माइनस a1, b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3। ठीक है, ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। जो ऊपर फंडा सीखा था वही नीचे भी है। मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट करते ही एक फंडा सिखाया था, क्या कि एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक वेक्टर पता होना चाहिए अलोंग द, बस ये बताया आपको तो सब आता है आपको लाइन में, और अब खत्म हो गया लाइन की इक्वेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। प्रूफ अगर आपको देखना है तो चलो मैं बता देता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए क्योंकि इतना अपन सीख चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। एक जनरल पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये ए आर वेक्टर आप बना सकते हो। ए आर वेक्टर मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि वैसे भी उसको मूव तो कर ही सकते थे। तो ए आर वेक्टर दिस इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी वेक्टर। अच्छा, ए आर वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस ए वन आई कैप प्लस वाई माइनस ए टू जे कैप प्लस जेड माइनस ए थ्री ए कैप। ये आ गया आपका ए आर वेक्टर। वेक्टर दिस इज लैम्डा टाइम्स, अगर ये पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो? ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर तो अपने को पता ही है, येलो से लिखा हुआ है पूरा, एज इट इज छाप दो। तो लिखिए बी वन माइनस ए वन आई कैप प्लस बी टू माइनस ए टू जे कैप b2 माइनस a2। ऐसे तो आराम से स्लाइड हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। b2 माइनस a2 j कैप और b3 माइनस a3 k कैप। ठीक है, अच्छा। और अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनके उनके कंपोनेंट बराबर है, तो x1 माइनस a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 माइनस a1। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक देखो 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 उधर, ये जो लैम्डा है मैं इसी स्टेप में क्या करता हूँ कि ये b1 माइनस a1 को नीचे पहुंचा देता हूँ, है ना। आप लोग बुरा मत मानना, हमारा ही समय बचेगा। और दिस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू y, रेशियोज बराबर कर दो आप, है ना। चलो, दो वेक्टर्स अगर बराबर है तो उनके रेशियोज बराबर हो जाएंगे, तो आप ऐसा लिख दो y माइनस a2 अपॉन b2 माइनस a2। आपको समझ में आ गया जो ऊपर किया था मैंने, वही नीचे कर रहा हूँ, एकदम सेम प्रोसेस है। इतना दिमाग तो आप लगा लोगे आराम से, और यहाँ पे आ जाएगा b3 माइनस a3। ये सारी वैल्यूज लैम्डा के बराबर होगी, बट अपन ये लिखते नहीं है, है ना, बैड मैनर्स, लैम्डा लिखना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप इसको रीड कैसे करेंगे? दिस रिप्रेजेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन थ्री डायमेंशन विच पासेस थ्रू a1 कॉमा a2 कॉमा a3 and
which is parallel to the vector whose direction ratios are b1 minus a1, b2 minus a2, or b3 minus a3. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन ऑफ अ लाइन इन 3D व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर हुज डायरेक्शन, मतलब सुनो हिंदी में समझो यार, ये सब अंग्रेजी ना मेरे को नहीं आती। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि a1, a2 पास करी है और इस वेक्टर के अलोंग, इतना a कैप प्लस इतना j कैप प्लस इतना k कैप इस वेक्टर के अलोंग है, मतलब इसके पैरेलल है बस। तो नीचे क्या लिखा है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ऊपर क्या लिखा है? जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स, खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a1 a2 a3 क्या है? जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट। नीचे क्या है? जहां की जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोस। ओके, अब अपन फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने वो लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो बता देना, चलो एक बार देख लो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन एकदम, एनसीईआरटी और एचएससी लेवल के। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन, आपको फटाफट क्वेश्चन छापना है। क्वेश्चन छापने में देर मत करना, सॉल्व करने में देर कर दो वो चलेगा, छापने में फटाफट छापना। पासिंग थ्रू -2, 1, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप + 2j कैप + 5k कैप Also, find the Cartesian equation of the same line. Solve करो, मैं नाम लूंगा किसी एक बच्चे का, definitely नाम लूंगा, वो मुझे vector equation बताएगा और एक बच्चा Cartesian equation बताएगा। बाकी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या बोलती है जनता, हो पाएगा? देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जल्दी से बताओ मुझे आदित्य गर्जे, वेक्टर इक्वेशन क्या है तुम्हारी, एक सांस में बोलना। अरे बोलना ही तो है, तो बिना, मैं तो बिना लिखे बोल के बता दूंगा। देखो कैसे बोलेंगे, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू जहां से पास कर रही है वाला पॉइंट, -2i कैप, 1j कैप, 3k कैप + λ टाइम्स दिस। ठीक है, संजना आपने काफी मिस कर दिया, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लेना। चलिए ओके, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो वाला पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको, 2i कैप + 1j कैप + 3k कैप + जहां जिसके पैरेलल है, अभी इसके पैरेलल है तो लैम्डा टाइम्स दैट वेक्टर, तो 3i कैप, 2j कैप और 5k कैप, ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है,
अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एकदम सेम फंडा रहेगा, आप क्या करें x माइनस जिस पॉइंट से पास कर रहा हो क्या है माइनस टू, तो x माइनस माइनस टू इज इक्वल टू y माइनस कहाँ से वन और z माइनस ये पास कर रहा है थ्री से डिवाइडेड बाय जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ। ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? दिस वेक्टर इटसेल्फ, काय को अपने को प्रोपोर्शनल लिखना है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनफाइनाइट है लेकिन अपन लिखेंगे एक ये वेक्टर इटसेल्फ, तो थ्री कॉमा टू कॉमा फाइव खत्म। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है नीचे वाला आप लोग जो है वो स्टार्ट करें लिखना, सब दो दो कौड़ी के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें होते ही क्वेश्चन दो कौड़ी के। आप मॉड्यूल भी करोगे ना पहले आर डी शर्मा करना, लेकिन फिर जिस दिन आप मॉड्यूल उठाओगे सब आपको आसान लगेगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज एक्स प्लस थ्री बाय टू वाई माइनस फाइव बाय फोर जेड प्लस सिक्स बाय टू। Find the vector equation of the line. ठीक है अच्छा सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कशिश बोल के बताइए मुझे सेकेंड वाले की वेक्टर इक्वेशन क्या है आपकी, आप बोल देना ही समझ जाऊंगा। फोर आई होगा ना, ध्यान से देखो लैम्डा टाइम्स फोर आई क्या होना चाहिए। अच्छा ठीक है सही, मैं बताता हूँ है ना, सही है आपका आंसर, गुड। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन है अपने पास, उस लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट पता है अपने को ए, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब वो जिस फॉर्म में गिवन हो आपको उसका टेंशन मत लो, आपको अगर उसने कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास वेक्टर है, सॉरी ये लाइन है, और इसके अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर खुद द ए बी वेक्टर इटसेल्फ है ना, तो ये ए बी वेक्टर इटसेल्फ इसके अलोंग एक वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर तो मैं लिख दूंगा आराम से है ना, आपके घर की काम वाली बाई भी लिख देगी क्योंकि पॉइंट माइनस पॉइंट करना है। अच्छा तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे आर इज इक्वल टू जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो वाला पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल है वो, समझ में आ रहा है। अच्छा ए बी वेक्टर लिखते हैं अपन, देखिए थ्री माइनस माइनस वन कितना आ जाएगा फोर, फोर आई कैप प्लस फोर माइनस जीरो कितना आ जाएगा फोर जे कैप, सिक्स माइनस टू कितना आ जाएगा फोर के कैप। ओके ये ए बी वेक्टर आ गया, इसके अलोंग बस आप लिख दो कोई भी पॉइंट, आप चाहे तो ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हो ये लिख दो, आप ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हो यहाँ पे तो ये लिख दो, टोटली अप टू यू, दोनों आंसर सही रहेंगे ना, दोनों आंसर सही रहेंगे। तो माइनस आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्या फोर फोर और फोर, ओ तो फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप। ठीक है अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये जो ए बी वेक्टर है ना जिसका नाम मैं लूंगा वो माइक ऑन करना, कीर्ति आप प्रेजेंट हो ना, हाँ कीर्ति ये बताओ कि ये वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या 4-4-4 हो सकते हैं, 1-1-1 हो सकते हैं, 2-2-2 लफड़ा 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 एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, सही बात है ना, तो आप इसके डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी लिख सकते हो कुछ भी, ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। चलिए अब इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, x माइनस जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x माइनस x1 अपॉन क्या लिखेंगे, चलो x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन दिस और z माइनस 2 अपॉन दिस। अच्छा ये क्या है 4 4 4, तो यहाँ पे आप 4 4 4 लिख सकते हो, अगर आपका मन नहीं है 4 4 4 लिखने का तो इसके आप दूसरे डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हो, मान लो इसका डबल कर दिया आपने, डायरेक्शन रेशियोज मतलब प्रोपोर्शनल, 8 8 8 भी लिख दो टोटली फाइन एकदम सही है कोई गड़बड़ नहीं है, मानो मेरी बात, आप यहाँ पे 8 8 8 की जगह लिखना चाहते हो 5 5 5 दैट इज आल्सो फाइन एकदम सही है भाई, क्योंकि 4 4 4 के प्रोपोर्शनल तो है 5 5 5
बिल्कुल 5/4 टाइम्स आपने कर दिया, तीनों में आप 5/4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, तीनों में 5/4 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यही आ जाएगा। चलिए, तो वैसे तो मैं कायदे से तो अपने को ज्यादा स्टाइल नहीं मारना चाहिए, है ना, ज्यादा तेज नहीं बनना चाहिए भाई, अपन डायरेक्शन रेशियोज ये लिखने की हैबिट डालते हैं तो यही लिखेंगे, ठीक है, वो तो स्टाइल मारने के पर्पज से मैंने बता दिया, बस पता होना चाहिए स्टाइल मारना नहीं, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, राइट, इट्स वेक्टर इक्वेशन। ओके गौरांग, जिंदा हो, अब बेटे हाँ ना तो बोल दो, नहीं आता तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी मार, जान जान से थोड़ी मार दूंगा यार मैं। प्रेजेंट, बहुत बढ़िया, अच्छा बता सकते हो इसका आंसर? चलो एक आसान सवाल है ना गौरांग, बहुत आसान सवाल, ये वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, बस मुझे ये बता दो। नहीं बताओगे, शर्मा जाओगे दुल्हन जैसे। हाँ भाई गर्जे, ये वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? गुड, -6, हाँ सही है सही है, सही बताया तुमने। फिर किसके पैरेलल है, कौन से वाले वेक्टर के पैरेलल है? गुड, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है -3, -5, -6 इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि यार ऊपर से पढ़ के आप 0 सेकंड्स में बताओ, 0 सेकंड्स में कि ये वाले पॉइंट, ये वाले जो होते हैं ना, ये क्या लिखा है, ZX -3 लिखा है, Y -5 और Z -6, तो -3, -5 से पास हो रही है, और किसके पैरेलल है, 2i cap + 4j cap + 2k cap, तो ये जिसके पैरेलल है वो ये हो जाएगा 2i cap + 4j cap + 2k cap। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, बड़े आराम से लिख देंगे एकदम। देखिए वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -3i cap + 5j cap + -6k cap, या -3 आएगा ना, -6k cap + λ times जिसके पैरेलल है वो, तो ये किसके पैरेलल है, 2i + 4j + 2k, इसके पैरेलल है, बस खत्म, वेक्टर इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलिए दो लाइंस के साथ क्या क्या हो सकता है वो अपन पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको इसका सारा टाइप बता दूंगा, चलो ठीक है, एक दो टाइप बता दूंगा, बाकी अपन फिर कल ही देखेंगे। टू लाइंस आर आइदर, देखो पहले तो आपको लिखवा देता हूं, दो लाइंस क्या क्या हो सकती है, दे कैन बी आइदर पैरेलल और दे कैन बी इंटरसेक्टिंग, और दे कैन बी स्क्यू। स्क्यू का मतलब अपन समझते हैं, शांति रखे बिल्कुल, है ना, आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे सब समझ में आएगा आपको। दो लाइंस पैरेलल इंटरसेक्टिंग, समझ आया, पैरेलल इंटरसेक्टिंग, स्क्यू का मतलब होता है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब ना ही पैरेलल ना ही इंटरसेक्टिंग, लाइक दिस, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग आइदर। अच्छा लाइन जो है ना उसको आप फ्री वेक्टर की तरह हिला मत देना, लाइंस को आप मूव नहीं कर सकते, ये लाइन है बेटे, ये वेक्टर नहीं है, लाइन अलग होता है वेक्टर अलग, वेक्टर खत्म हो जाता है, वेक्टर पे एरो होता है, उसकी लेंथ डिफाइंड होती है, लाइन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जाता है, ये लाइन और ये लाइन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो इसका मतलब ये स्क्यू हो गई है और दे आर नॉट इवन पैरेलल, है ना ही इंटरसेक्ट करी ना ही पैरेलल, मतलब दे आर स्क्यू लाइंस। लाइन की इक्वेशन देख के कैसा पता करें कि वो पैरेलल है
या स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है। मैं आपको एक बहुत ही आसान सी बात बताऊंगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लाइन की इक्वेशन देखी, मैंने अगर दो लाइन की इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये रफ में लिख रहा हूं मैं, आप लोग मत लिखना। मान लो मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी, आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, और दूसरी इक्वेशन है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस म्यू टाइम्स, है ना, देखना ध्यान से, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव कैप के कैप। पहली बात तो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम इस लाइन को पकड़ सके कि ये है क्या, है ना। अच्छा, ये लाइन, पहली वाली लाइन को अगर आप बोलोगे तो देखो विद इन जीरो सेकेंड्स आपको बोलना है कि इट इज पासिंग थ्रू 111 एंड पैरेलल टू 235 2i 3j 5k, ऐसा शॉर्ट में 111 बोल दिया और 235 बोल दिया। इसको बोलो दिस इज पासिंग थ्रू माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस थ्री माइनस वन कॉमा माइनस टू कॉमा प्लस थ्री एंड इट इज पैरेलल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो लाइन वन जो है और लाइन टू जे, लाइन वन एंड लाइन टू आर दे पैरेलल टू ईच अदर, यस, क्यों, क्योंकि लाइन वन इस वेक्टर के पैरेलल है, लाइन टू इस वेक्टर के पैरेलल है, तो दोनों की दोनों लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल है, मतलब दोनों आपस में भी पैरेलल होगी, है ना। ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है और नीचे वाली लाइन जो है वो भी इसके पैरेलल है, ब्लैक वाली लाइन के, तो इसका मतलब ये ब्लू और ब्लैक दे आर ऑल्सो आपस में पैरेलल, है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि पैरेलल लाइंस तो देखते ही समझ में आ जाती है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दे आर पैरेलल, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कराने से पहले एक फंडा लिखेंगे अपन, नोट लिखिए, नोट। अब नोट लिखवाने से पहले मैं हमेशा रफ में कुछ लिखवाऊंगा, देखिए कोपचे में अपन कुछ लिखते, हाँ भाई, 2D टू डायमेंशनल में अपन ने जो लास्ट ईयर पढ़ा था, मान लो मैंने आपके सामने लाइन की इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया टू डायमेंशन में कि इसका स्लोप 3 है और इसकी उसका y इंटरसेप्ट क्या है 2 है, है ना। तो आप इस पॉइंट, इस लाइन पर, इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट अगर लिखना चाहो, कोई भी जनरल पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, मान लो x कोऑर्डिनेट आपने a मान लिया, वैसे तो अपन x, y लिखते हैं, वो भी होता है जनरल पॉइंट, बट मैं आपको कोई जनरल पॉइंट विदाउट यूजिंग टू वेरिएबल्स लिखना चाहूंगा, तो वो कैसे लिखूंगा। मान लो आपने इसका x कोऑर्डिनेट a बोल दिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3a plus 2, x की जगह आपने a रख दिया तो y आ गया। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर, अगर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो आप इस टाइप का मान सकते हो a, 3a plus 2, सही बात है। इस फंडे को अपन यूज करते थे मिरर इमेज निकालने में जब अपन लास्ट ईयर पढ़ते थे। खैर, मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट बस इतना है कि इस लाइन पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट आप क्या बोल दोगे a कॉमा 3 प्लस 2। उसी तरह एनी पॉइंट, लिखिए एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन, लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी अच्छा a प्लस लैम्डा बी की जगह मैं कुछ ढंग से लिख देता हूं। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, देखना ध्यान से, i कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, ऐसे कोई एक बोल दिया मैंने आपके सामने। ये क्या है, ये एक लाइन है, सब जानते हैं ये लाइन है। अच्छा, इस लाइन के बारे में बताइए मुझे, ये कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से, किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, समझ में आ रहा है ना। अरे इस लाइन पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना है ना, कोई भी पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना है, तो r क्या होता है, ये r होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, x कॉमा वाई कॉमा जेड, यही होता है r, ठीक है।
ये हो गया आपके सामने आर। खैर मेरा आर से मतलब नहीं है, अगर अपने को कोई भी पॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैप, तो मतलब वन प्लस टू लैम्डा आई कैप। फिर टू प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस थ्री प्लस थ्री लैम्डा, थ्री प्लस थ्री लैम्डा के कैप। ठीक है, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, किस तरह से, वन प्लस टू लैम्डा, वन प्लस टू लैम्डा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का, मतलब इस लाइन पर रखा हुआ कोई भी, इस लाइन पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आपको जनरल पॉइंट अज्यूम करना है तो वन प्लस टू लैम्डा, टू प्लस टू लैम्डा कॉमा थ्री प्लस थ्री लैम्डा आप अज्यूम कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखिए एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज, कैन बी अज्यूम्ड एज दिस। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बस, ये तो मैं आपको क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं ना, मैंने आपको बस फंडा सिखाया और एक छोटा सा नोट लिखवाया है। अब आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, और लाइंस क्या है, पहली लाइन आपके सामने ये आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस टेन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस एट के कैप। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है अपने पास, दूसरी लाइन है फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप प्लस सम म्यू टाइम्स आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस सेवन के कैप। ओके, तो फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, पहली लाइन अपने को गिवन है और दूसरी लाइन भी गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। थोड़ा सा लेवल अप हो गया है ना, एक चैलेंज बढ़ गया आपका, बट बड़ा आसान है निकालना, बहुत ज्यादा आसान है। पहले तो आपको लाइन को रीड करना आना चाहिए, लाइन को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लाइन को रीड करने की। जो लाइन वन है ना, ये वाली लाइन वन, प्रांजलि आप बताइए मुझे कि लाइन वन कौन से पॉइंट से पास कर रही है। निखिल आप बताइए, और किसके पैरेलल है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन। लाइन टू के बारे में बताइए, लाइन टू कहां से पास कर रही है, और लाइन टू किसके पैरेलल है। गुड, ठीक है, प्रांजलि आप प्रेजेंट हो ना, क्या हो गया, अभी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, होगा, क्लियर होगा। तो लाइन की इक्वेशन लिखना अपन ने सीखा है, अपन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रही लाइन वन, ये रही लाइन टू, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे। तो आपको दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पहले ये चीज अज्यूम करना होगा कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग ही नहीं है तो काय का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग कब नहीं होती है, व्हेन दे आर पैरेलल और व्हेन दे आर स्क्यू। स्क्यू मतलब ना ही इंटरसेक्टिंग ना ही पैरेलल।
उस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती, पैरेलल के केस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी और स्क्यू के केस में भी कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, है ना। अच्छा तो पहले अज्यूम कर लो लेट द लाइंस बी इंटरसेक्टिंग, और बहुत आसान है देखो, लेट द लाइंस बी इंटरसेक्टिंग, ये आपने खुद से बोल दिया तभी तो आप निकालोगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर आपने क्या बोल दिया कि लाइन वन पे एक जनरल पॉइंट लिखना है आपको, तो आप जनरल पॉइंट ऑन लाइन वन लिखो। फंडा देखिए, जनरल पॉइंट लॉजिक बस समझ लो, बाकी आप अप्लाई करना सीख जाओगे। जनरल पॉइंट ऑन लाइन वन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन टू, ठीक है। लाइन वन पर जनरल पॉइंट अगर मुझे लिखना है तो अभी अभी मैंने सिखाया था आपको कैसे लिखेंगे, आई कैप वाला जोड़ दो, ये वन और टू लैम्डा, तो वन प्लस टू लैम्डा आई कैप कॉमा, मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां पे लिखा माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा, और माइनस टेन प्लस एट लैम्डा, माइनस टेन प्लस एट लैम्डा। लाइन वन पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फैशन का होगा, इस तरीके का होगा। अगर आपने लैम्डा का वैल्यू वन डाल दिया, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा का वैल्यू अगर टू डाल दिया तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, थ्री डाल दिया तो कुछ पॉइंट मिलेगा, फोर डाल दिया तो कुछ और पॉइंट मिलेगा, है ना। तो मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। लिखो यहां तक, जनरल पॉइंट ऑन लाइन टू लिख के बताइए आप, पॉइंट टू पे जनरल पॉइंट ऑन लाइन टू, हेलो जनरल पॉइंट ऑन लाइन टू लिखिए, तो लाइन टू पर जनरल पॉइंट अगर मुझे लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, फोर प्लस म्यू आई कैप, आई कैप हटा दो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट किस तरीके का होगा, किस फैशन का होगा वो लिख रहा हूं। माइनस थ्री, देखो एक एडवांटेज है, ये जो चैप्टर अपन जेई के बहुत नजदीक कर रहे हैं ना, जस्ट बिफोर जेई, इसमें आप एडवांटेज लेके चलोगे तो आपको एक फायदा है, ये बात मैं आपसे थोड़ी बाद में करने वाला था। अगर आपने इसको अभी ढंग से पढ़ लिया तो इसमें कभी रिविजन करना ही नहीं पड़ेगा, अगर अभी आप रोने लग जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना। क्योंकि देखिए लॉजिकली स्पीकिंग जेई को सिलेबस कट शॉर्ट करना चाहिए था, बट दे डिड नॉट डू दैट, क्यों, क्योंकि उन्होंने चॉइस दे दिया, उन्होंने चॉइस दे दिया कि आपको जो चैप्टर नहीं आता आप छोड़ देना उसके क्वेश्चन, बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारा। अब जो भी अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं ना उसमें एक फायदा है अपने को, अगर आपने इसको ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपको याद भी रहेगा फ्रेश, और आप उसका क्वेश्चन डेफिनेटली करके आ जाओगे। कुछ बच्चे जो है वो बेकार में परेशान हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ मैं, बोलो बोलो, माइनस वन प्लस सेवन में, कोई कुछ कह रहा है, बिल्कुल अभी करेंगे ना, आफ्टर फ्यू डेज, मतलब एक या दो तीन दिन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, कोई फिक्र ना करो आप, जरूर करेंगे अपन, बाद में तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे।